भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और पूर्व टीम निदेशक रवि शास्त्री ने आईसीसी की प्रतिष्ठित क्रिकेट समिति में मीडिया प्रतिनिधि के पद से इस्तीफा दे दिया है। गौरतलब है कि आईसीसी क्रिकेट समिति के अध्यक्ष भारतीय टीम के मौजूदा मुख्य कोच अनिल कुंबले हैं, जिन्होंने इस पद की दौड़ में क्रिकेट सलाहकार समिति की स्वीकृति मिलने के बाद शास्त्री को ही पछाड़ा था। शास्त्री ने कहा, मैं पहले ही अपना इस्तीफा दे चुका हूं, मेरी निजी प्रतिबद्धताएं हैं और मैं 6 साल से वहां था। शास्त्री ने इसका आधिकारिक कारण कमेंटेटर और टीवी विशेषज्ञ के रूप में अपनी जिम्मेदारियों को बताया, लेकिन इस तरह की अटकलें हैं कि रवि शास्त्री ने शायद कोच पद की दौड़ में सफल नहीं होने से नाराज होकर ये फैसला किया है। कोच पद की दौड़ में पिछड़ने के बाद शास्त्री की क्रिकेट सलाहकार समिति के सदस्य सौरव गांगुली से भी बयानबाजी हुई थी, जो अखबारों की सुर्खियां बनी थी। सूत्रों ने बताया, सौरव की तरह रवि भी भावुक व्यक्ति हैं, वो अब भी खारिज किए जाने को नहीं पचा पाते हैं। ये बीसीसीआई नामित के रूप में मीडिया प्रतिनिधि बना था, संभवतः इसलिए वो इस पद पर बने रहने को तैयार नहीं है। साथ ही कुंबले ने चेयरमैन के रूप में बरकरार रहने की इच्छा जाहिर कर दी है, इसलिए दोनों के लिए बैठक में मौजूद रहना असहज होता है। NMF न्यूज की रिपोर्ट।